आज तक। उधर राज्यपाल पर हमले को लेकर कांग्रेस अधीर हो रही है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि राज्यपाल बीजेपी के हैं और उन्हें कश्मीर बीजेपी का अध्यक्ष बना देना चाहिए। हालांकि अधीर रंजन को फौरन अपने स्टेटमेंट का जवाब भी मिल गया। जम्मू कश्मीर की जो गवर्नर है, इनको गवर्नर पद की बजाय जम्मू कश्मीर बीजेपी पार्टी की अध्यक्ष बना दिया जाए, क्योंकि जिस ढंग से बात करते हैं, हमारी जो प्रतिष्ठान है, ये प्रतिष्ठान को इसलिए शर्मिंदगी होनी पड़ता, क्योंकि एक गवर्नर, उनकी रवैया देखिए, उनकी अगर टिप्पणी देखिए तो एक बीजेपी की नेता की तरह लगते हैं। देखिए, अधीर रंजन चौधरी जो पार्लियामेंट में बोले हैं, उसने अपनी पार्टी को कब्र में लिटा दिया है। और मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, जब भी कभी चुनाव होगा देश में तो अधीर रंजन चौधरी जरूर कोट किए जाएंगे कि ये बता रहे थे कि ये तो मामला यूएनओ का है। मैं उस पर क्या रिएक्ट करूं, उस आदमी की जानकारी पे या उसकी समझदारी पे? मैं बहुत अपनी निष्ठापूर्वक काम कर रहा हूं और मुझे ऐसे इल्जाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। राज्यपाल पर टिप्पणी करने के पहले अधीर रंजन चौधरी जी को पहले देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। एक उनकी जो भाषा और भाषण थी, वो एक पाकिस्तान के नेता के तरफ से लाइन लिया हुआ जैसा लग रहा था, तो उसके लिए उनको पहले माफ़ी मांगनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में जैसे सरकार किसी हड़बड़ी में नहीं। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि सरकार के लिए पहले जान जरूरी है, ना कि फौरन सारी सुविधाएं देना, यानी हालात संभलने में देर है। इसी ऐलान के बीच कई शहरों में आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट भी देखिए। जम्मू कश्मीर भले ही पहरे में कैद है, लेकिन हालात में बदलाव की रोशनी दिखने लगी है। तीन शहरों के दौरे पर हम आपको अपने संवाददाताओं के साथ ले चलते हैं। श्रीनगर से लेकर पहलगाम और बारामूला तक का हाल देखिए, जानिए और समझिए। सबसे पहले श्रीनगर के लाल चौक की ये तस्वीरें देखिए। लाल चौक वो जगह जो शहर के मूड का थर्मामीटर है। यहां से बैरिकेड हटाए जा रही हैं और लोगों की आवाजाही भी तेज हो रही है। भले ही दुकानों पर से ताले नहीं हटे हैं, लेकिन लाल चौक से डर की लाली मिट रही है। मैं जहां खड़ा हूं, ये कश्मीर का ऐतिहासिक लाल चौक का इलाका है। जब भी कश्मीर में जोर से पत्ता भी खड़कता था, सबसे पहले यहां हालात तनावपूर्ण हो जाते थे। 22वें दिन लाल चौक के पास न कोई बैरिकेड है, न कटीले तार हैं। इन सड़कों पर गाड़ियां अब आ जा रही हैं। श्रीनगर राजधानी के बाद देखिए बारामूला की तस्वीरें। आतंकवाद प्रभावित बारामूला में सन्नाटा है, शांति है, लेकिन फुटबॉल खेले जाने की ये तस्वीरें भी बहुत कुछ कहती हैं। बता रही है कि दिन बदलेंगे जरूर, भले ही देर होगी। जल्दी करने के पक्ष में, ये शो करने को कि देखो एकदम नॉर्मलसी आ गई, हम किसी भी जान को नहीं जाने देंगे। हमारे लिए कश्मीरी की लाइफ सबसे प्रेशियस है। लेकिन कश्मीर की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक पहलगाम आज खामोश है। खामोश है चिनार और देवदार, खामोश है बाजार, सैलान।